घोड़ा चलते चलते रुका तो काफिले वालों ने पूछा, आका क्या बात है? मुस्लिम को सलाम तो कर लो। उसने वो कह रहा अस्सलाम वालेका या बाबुल्ला, या तो पता है ज्यारत किसकी ईजाद है? मुस्लिम की ईजाद है। मुस्लिम ने सबसे पहले इशारा करके कहा था अस्सलाम वालेका या बाबुल्ला। हुसैन ने जवाब दिया, सब ने पूछा मुस्लिम कहाँ? क्या तलवार के नीचे? क्या तुम लोग देखना चाहते हो? अमारी का पर्दा रुकैया बीवी ने उठाया, शौहर नजर आया, लेकिन एक बच्ची भी मुस्लिम की छोटी सकीना के बराबर थी। पुकार के कहा पास चचा मेरे बाबा को बचाओ। वो खयाम मत का समा था, मुस्लिम का सर काटा गया, कोठे पर से फेंका गया, लेकिन जिबा होने से पहले, अरे ईद की कुर्बानी से पहले आले मोहम्मद की कुर्बानी के बाद कूफे वालों को मुखातिब किया, कुर्बानी के जानवर खरीद रहे हो, कल ईद मनाओगे, जरा याद रखना मेरे दो बच्चे छोटे, ईद के दिन अगर मिल जाए तो ईद के दिन मेरे बच्चों को ना भूलना। बस ये कहा ताकि सर जुदा हुआ और जिस्म गिरा और बस जुल्म खत्म नहीं हुआ, बल्कि सर तो इब्ने ज़ाद के सामने पेश हुआ और लाश के पैरों में रस्सियां बांधकर मुस्लिम के लाशे को पूरे दिन कूफे के बाजारों में घसीटा गया। अल्लाह, जिस मुस्लिम ने अपने बच्चों के लिए वसीयत की थी वो भटकते हुए कहां पहुंचे? मशकूर करो जिंदान बांध के घर तक। और जब पता चला हारिस को कि वो बच्चे यहां छुपे हैं, तो हारिस दोनों बच्चों को पकड़ के लाया फुरात के किनारे मुसय्यब के मकाम पर। आप ज़ियारत करते दो नन्हे नन्हे रोजे बने हैं, जरिया बनी है, अंदर जाइए शहजादों की कब्र है, एक इब्राहिम दूसरे मोहम्मद। एक बार लेकर हारिस चला तो ये नहीं के बाजू पकड़ के चला, ये लिखा है कि दोनों बच्चों की जुल्फे पकड़ कर खींचता हुआ फरात के किनारे लाया। जौजा रोती हुई, कनीज रोती हुई हाथ जोड़ी, बच्चों पे जुल्म न कर, मगर फरात के किनारे जब बच्चों को लाया तो दोनों बच्चों ने इतना ही कहा, जुल्फों को काट ले, बाजार में बेच दे, मगर इस पर भी राजी ना हुआ कि यूसुफ की तरह बच्चों को बाजार ले जाता। उन्होंने कहा अच्छा अगर तू खत्म करना चाहता है तो कर दे, लेकिन हमें नमाज तो पढ़ने दे। दोनों बच्चों ने नंगी नंगी आस्तीनें चढ़ाई, फुरात से वुजू किया, नमाज अदा की। अभी नमाज तमाम हुई थी कि एक बार तलवार काफिर ने उठाई जिसका नाम हारिस है। जब आप जाएंगे उस मकाम पर तो आपको एक तस्वीर लगी हुई करबला में मिलेगी जिसमें हारिस काफिर तलवार उठाए है और मासूम दो बच्चे सर झुकाए बैठे हुए हैं और औरत पुकार रही है इनको जिभा न करो, इन बच्चों को जिभा न करो। तो एक बार तलवार उठाई तो बड़ा कहता था पहले मेरा गला काट ले और बड़े के गले पे छोटा गला लगता था मेरा सर पहले काट ले। एक भाई दूसरे का तौकियत लेना चाहता था, एक भाई का सर कटा, सर अलग रखा, लाशा उठाकर फुरात में फेंका। कहते हैं पहला लाशा फुरात में लहरों पे रुका रहा, जब दूसरा लाशा भी फुरात में गिरा तो दोनों ने बाहें फैलाई और दोनों भाई जैसे गले मिल रहे हो। एक बार नन्हे नन्हे दोनों सर लेकर इब्ने ज़ाद के दरबार में हारिस पहुंचा। जैसे ही आखिरी जुमले है तकरीर की अदा कर रहा हूँ उसके बाद आप मातम पढ़ेंगे, जैसे ही उन खूबसूरत सरों पर इब्ने ज़ाद की नजर गई एक बार तख्त के ऊपर उठा और चीखने लगा, तो हमने तो ये कहा था कि बच्चों को जिंदा लाना, तूने मेरे हुक्म के खिलाफ बच्चों को जिबा तो किया,
تُو نے میرے حکم کے خلاف کیا، پاتا ہے جنات، بلاؤ اس کو، حارث کو قتل کرے۔ جنات تلوار لیے ہوئے آیا اور حارث کو لے کر اسی جگہ پر ابن زاد پہنچا اور کہا کہاں تُو نے بچوں کو ذبح کیا تھا، وہیں تیرا سر یہ جنات کاٹے گا۔ تقریر کا آخری جملہ سنیے، جیسے ہی ابن زاد وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ فرات کے کنارے لہو کا ایک دریا سا بہ رہا، سامنے سے لگتا ہے تو لہو کے دریا چلے آ رہے ہیں، لیکن جھک کر جو دیکھا تو اس لہو کے دھارے میں اس نے دیکھا کہ ایڑیوں کے نشان ہیں، جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے ایڑیوں کے نشان ہیں۔ تو حارث کو تو گرفتار کر لیا تھا ابن زاد نے، کہ یہ بتا یہ خون تو میں سمجھ گیا کہ بچوں کا ہے، یہ خون بچوں کا ہے، یہ ایڑیوں کے نشان کیسے ہیں؟ کا قتل وہاں پر کیا تھا، لاش تڑپتی ہوئی تو بچے بچے ان کی روح کا پرواز کر رہی تھی، تو دونوں بچے اپنے لہو میں ایڑیاں رکھے۔ میں کہوں گا رقیہ بی بی، ارے دو بچے بھائی، تو دیکھا مسلم کا لاشا رکھتا تھا اور میرے وارث میرے سرکار دو بچے میرے ساتھ تھے، دونوں کے سر نیزے پہ لائیوں، وارث دو بچے آپ کے ساتھ ہیں، میرے وہ دونوں نا آواز آئی لاش تڑپی کر بھیا فرات کے کنارے دونوں بچے۔ Let's go!
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.